हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शाही कुकीज़ की रेसिपी विदाउट ओवन। घर में किस तरीके से हम इजीली कुकीज़ बना सकते हैं, आज की वीडियो में आप देखेंगे। ये कुकीज़ देखने में जितनी यम्मी दिख रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुकीज़ बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रखा है और पैन में आधा लीटर दूध लिया है, मतलब कि 2 कप मैंने दूध लिया है। और दूध को मीडियम फ्लेम पे बॉईल करेंगे और इसे बिल्कुल गाढ़ा कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इस तरीके से दूध रखें और दूध को गाढ़ा कर लें। दूध गाढ़ा हो रहा है जब तक हम इंग्रीडियंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 1/2 कप और मैंने यहाँ पर आटा लिया है 1 कप। आप चाहें तो आटे के जगह पे मैदा भी ले सकते हैं। मैंने दोनों को आधा कर लिया है। और यहाँ पे मैंने शक्कर लिया है 1 कप, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर रख ले। और घी यहाँ पे मैंने 1/4 टेबल स्पून लिया है। और यहाँ पे इलायची पाउडर है 2 पिंच और बेकिंग सोडा है 1/2 चम्मच से भी कम। और यहाँ पर नमक मैंने लिया है 2 पिंच। नमक डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दूध जो है गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब इसे होने में और 5 से 7 मिनट लगेगा। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से होने दें। उसके बाद में हम ये शक्कर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप शक्कर लिया था, उसे डालेंगे और इसे मेल्ट कर लेंगे। और इसे अच्छे से गाढ़ा होने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध का कलर भी चेंज हो गया है और दूध जो है बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब दूध को इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और दूध को ठंडा होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया और बाउल में हम मैदा डाल देंगे। उसके बाद आटा डालेंगे। मैदे आटे को पहले से छान लें। तो यहाँ पर मैंने आटा डाल दिया। आप चाहें तो कुकीज़ जो है पूरा मैदे का भी बना सकते हैं, बट आटा डालने से ये थोड़ी हेल्दी कुकीज़ हो गई है। उसके बाद हम घी डालेंगे और इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स करेंगे, मोइन कर लेंगे, जिससे कि कुकीज़ बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए मोइन करेंगे। मोइन करने में आपको 5 से 7 मिनट लगेगा। तो बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छे से मोइन करेंगे। यहाँ पे मोइन अच्छे से हो गया है। उसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, नमक डाल देंगे और बेकिंग पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। इलायची पाउडर भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें वरना स्किप कर दें। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अच्छे से मिक्स है। उसके बाद जो दूध को हमने गाढ़ा करके रखा था, अब वो ठंडा हो गया होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम बैटर डालेंगे और एक डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करें और एक स्मूथ सा डो रेडी कर लें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक डो रेडी कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ डो है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर इस तरीके से छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद अब हम चेक करते हैं। तो डो जो है बहुत ज़्यादा टाइट है, ये देखिए बहुत टाइट हो गया है। तो जब डो बहुत सख्त हो जाए तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क रही हूँ और इसे बिल्कुल स्मूथ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, डो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब ये कुकीज़ बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे मैंने चकला लिया, दूध लिया है, ड्राई फ्रूट्स ले लिया है और अब हम नींबू के आकार का एक बॉल बना लेंगे और इसे अब बेल लेंगे। आप चाहें तो हाथ की हेल्प से भी इसे कुकीज़ बना सकते थे, बट मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे बेल लूँगी इस तरीके से।
इसे बहुत मोटा या बहुत पतला नहीं बेलना है। और उसके बाद यहाँ पे एक कुकीज़ लेंगे और कुकीज़ से इस तरीके से कट कर लेंगे। अगर आपके पास कुकीज़ कटर ना हो तो आप घर का कोई भी छोटा सा कटोरी ग्लास ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे शाही कुकीज़ बनाने के लिए इसका जो सेंटर पार्ट है उसे भी कट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक नोज़ल ले लिया है, नोज़ल से इसे कट कर लेंगे, बहुत ईजिली कट हो जाएगा। तो ये लीजिए, बिल्कुल मज़ेदार सा शाही कुकीज़ बनके रेडी है। देखिए देखने में भी ये कितना ज़्यादा टिमटिम दिख रहा है। तो इस तरीके से हम जितना भी डो है हमारे पास, हम कुकीज़ को रेडी कर लेंगे। तो बस इस तरीके से बेलना है और कट कर लेना है, और इसे सेंटर में भी कट कर देना है जिससे कि इसकी लुकिंग बहुत ही अच्छी आए। तो ये लीजिए, दूसरी कुकीज़ बनके भी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने एक बैच जो है वो रेडी कर लिया है। ऊपर से हम इसमें दूध ग्रीस कर देंगे, दूध लगाने से जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ऊपर हम लगाएंगे वो भी अच्छे से चिपक जाएंगे और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। कढ़ाई में कुकीज़ बनाने से बहुत अच्छा कलर नहीं आता है, इसलिए दूध लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप दूध बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस तरीके से दूध लगाएं, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स लगा दें। तो ये लीजिए, बिल्कुल रेडी हो गया है ये बेक होने के लिए। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे केक टिन ले लिया है, आप घर का कोई भी प्लेट या बर्तन ले सकते हैं। उसके बाद इसे ऑयल या बटर से ग्रीस कर दें। तो मैं इसे घी से ग्रीस कर रही हूँ, आप भी घी या बटर किसी भी चीज़ से ग्रीस कर सकते हैं। तो अच्छे से बिल्कुल ग्रीस करें। उसके बाद अब हम कुकीज़ को रख देंगे इसमें, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें। तो ये लीजिए, कुकीज़ बेक होने के लिए रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट पहले एक कढ़ाई रखा था और इसे मैंने प्रीहीट गर्म कर लिया है। बहुत गर्म है तो सावधानी से इसे उतारें। और सेंटर में देखिए, मैंने एक स्टैंड रखा है, आप कोई भी प्लेट रख सकते हैं। इस तरीके से हम इसे डालेंगे और वापस से ढकेंगे और 15 से 20 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 से 20 मिनट हो गया है, अब हम चेक कर लेते हैं। तो वाओ, ये देखिए कितनी टेम्पटिंग दिख रही है हमारी कुकीज़, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कुकीज़ ठंडी हो गई है और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया। ये लीजिए, बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी कुकीज़ बन के रेडी हो गई है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा घर में कुकीज़ बनाना कितना आसान है, बहुत कम टाइम में बन के बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी कुकीज़ रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार अपने घर में ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो से आप नोटिफाई रह सके। और अब मैं आपसे मिलूँगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।